सुहानी ने थोड़ी हरकत करी है, मुझे फंसाया उसने अपने चंगुल में। बेसिकली क्या हुआ है कि मिसल टो लगा रही थी वो, और उसको कहीं से बताया कि आई थिंक शरद ने बताया, उसको तो खैर नहीं, कि अगर मिसल टो के नीचे खड़े होके आप यू नो किस करेंगे, हाँ, तो फिर यू हैव अ नाइस लाइफ बेसिकली, एंड यू नो योर लव बिकम्स सक्सेसफुल एंड ऑल दैट। सो बेसिकली सुहानी ने मुझे उसके नीचे खड़ा किया और फिर कर दिया। हाँ, मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई जैसे सौरभ भैया ने बचपन में मेरे को किस किया था, अनुज ने किया था, अनुज को मैंने किया था जब वह पैदा हुआ था, और जब मेरे पापा ने मुझे किया था, बिल्कुल वैसे ही भाई वाली फीलिंग, पापा वाली फीलिंग। देखिए वो पहले भी 2 या 3 बार ऐसा कर चुकी है, तो इस बार मेरा रिएक्शन था ये फिर फंस गया मैं, फिर इसने कर दिया, फिर इसने चांस मार लिया गंदी लड़की, तो वही सेम रिएक्शन था मेरा। आई बिलीव इन क्रिसमस, यस, मुझे क्रिसमस की ट्रेडिशन बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी मदर को बहुत पसंद थी, तो मुझे भी बहुत पसंद है, और बचपन से वी हैड ऑल ट्रेडिशंस। हम लोग घर में रोज चिकन बनाते थे, हम यू नो वी स्टिल हैव अ लिटिल ट्री, ज़्यादा बड़ा ट्री नहीं था, पर एवरी ईयर वी शू हम एक ट्री को लाइट करते थे, वी शू यू नो डेकोरेटेड एंड ऑल दैट। तो यस, आई रियली बिलीव इन क्रिसमस। क्रिसमस पे एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, लव इज़ ऑल अराउंड मी and you know let the feeling grow. So jab Christmas ka time is all about love and it's about giving, so guys love the people that are around you, not just on Christmas, even on other days, but especially on Christmas. Make sure you tell them that you love them.